दोस्तों 15 अगस्त आने वाला है और इस मौके पर हमारे देश में गदर 2 जैसी फिल्म भी रिलीज़ हुई है जो देशभक्ति के मौसम को और भी चार चांद लगा रही है। ऐसे में एक सवाल पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि क्या हमारे देश में देशभक्ति का मतलब सिर्फ चीन और पाकिस्तान को गाली देना भर है? क्या हम अपने देशभक्ति की इतिश्री कर लेते हैं सिर्फ पाकिस्तान को गाली निकाल कर या चीन को गाली निकाल कर? क्या हमने अपने देशभक्ति के उस इमोशन का विस्तार नहीं किया है? क्या देशभक्ति की श्रेणी में जनसंख्या नियंत्रण नहीं आया है? क्या देशभक्ति की श्रेणी में एनवायरनमेंट के लिए प्यार नहीं आया है? पॉल्यूशन कंट्रोल नहीं आया है? देश में बेरोज़गारी कम से कम हो इसकी बात नहीं होती? देश में जनसंख्या पॉल्यूशन पॉपुलेशन कंट्रोल हो इसकी बात नहीं होती? ग्लोबल वार्मिंग के लिए कुछ कदम उठाए जाएं उसकी बात नहीं होती? हमने अपने देश प्रेम को सीमित कर रखा है। देश प्रेम का मतलब पाकिस्तान को गाली निकालना या चीन को गाली निकालना। तो क्या आपको लगता है ये एक सही तरीका है अपनी देशभक्ति को दिखाने का? ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ क्योंकि अगस्त का महीना है, 15 अगस्त आएगा, तमाम बातें आप लोग स्लोगन तरह तरह के फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर बहुत कुछ लिखेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस बहुत तरह के शेयर किए जाएंगे और उन सब के केंद्र में हम पाकिस्तान को महत्व देने लगते हैं बार बार पाकिस्तान के लिए कुछ उल्टी सीधी बातें कहकर। तो क्या आपको लगता है ये बिल्कुल सही तरीका है देशभक्ति को जताने का, बताने का? या एक तरह से अगर हम समझें कि क्या ये जो देशभक्ति का पूरा मामला है ये सिर्फ यहीं तक सीमित है जिसमें हम कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को गालियां निकालनी, हमने पाकिस्तान को उल्टा सीधा कह दिया, पाकिस्तान में किसी चीज़ के भाव बढ़ गए तो हमने उसको नीचा दिखा दिया? क्या हमारी देशभक्ति सिर्फ पाकिस्तान को गाली निकालने का नाम है या हम इससे ऊपर उठकर अपने देश को कहीं आगे ले जाने की बात करेंगे? मैं इस सवाल को एक दूसरी तरह से पूछता हूँ, क्या आपको लगता है कि हमारे देश का विकास सिर्फ पाकिस्तान को गाली निकाल कर हो सकता है? इसके अलावा कोई गुंजाइश नहीं है कुछ और करने की, करवाने की? क्या हमारे देश ने वो सब कुछ प्राप्त कर लिया है जो कि एक विकसित देश को प्राप्त कर लेना चाहिए? ये जो सारी बातें हैं इस पर मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ, आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? बहुत समझदारी से सोचिए और फिर मुझे अच्छे से इत्मीनान से कमेंट करके बताइए कि आपको क्या क्या लगता है कि देश प्रेम को जताने और बताने के लिए और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जो कि अभी फ़िलहाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी हैं, क्योंकि अगर उन पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है कि कल बहुत देर हो जाए। कौन कौन सी समस्याएं आपको लगता है? और जब आप समस्याओं के नाम लिखें तो कृपया किसी राजनीतिक पार्टी की तरह न सोचें, क्योंकि हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों को सिर्फ धार्मिक समस्याएं दिखाई देती हैं, मंदिर मस्जिद दिखाई देता है, लेकिन एक इंसान के डेवलपमेंट के लिए धर्म के अलावा भी बहुत सी कई चीज़ें होती हैं जिनका विकास अगर नहीं हुआ तो फिर हम क्या सच्चे मायने में देश से प्यार करते हैं, क्या हम कह सकते हैं? ये तमाम बातें हैं, मैं चाहता हूँ इस पर आप खुलकर विचार रखें और बताएं कि आपको क्या लगता है कि हमारे देश में देश प्रेम क्या अब सीमित होकर रह गया है पाकिस्तान को गाली निकालने और चीन को बुरा भला कहने को लेकर, क्योंकि न्यूज़ चैनल्स में भी वही चलता है। मैं चाहूँगा कि हमारे जो देश की जनता है वो हमें इस बारे में बताए, अपने राय रखे। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ने का।